दोस्तों पहले के जमाने में जब फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स साल में दो साल में तीन साल में सिर्फ एक फिल्म बनाते थे तब उनके बैनर को कंपनी को चलाना आसान था. द प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे द प्रोड्यूसर डायरेक्टर हिमसेल्फ यूज टू रन द कंपनी. लेकिन आजकल कॉरपोरेट हाउसेस साल में दो तीन चार पांच छह सात फिल्में भी बनाते हैं और इसलिए जो डायरेक्टर होते हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं वो फिल्म मेकिंग पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. कंपनी को चलाने के लिए कोई और चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली एक फिल्म नहीं है साल की दो तीन चार पांच छह सात हो सकती है. और वैसी ही एक महिला आज हमारे स्टूडियो में है जो अनुराग कश्यप की फिल्म बतौर उनकी पार्टनर बनके चला रही है. फ्रेंड्स प्लीज वेलकम गुनीत मोंगा. गुनीत वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस. अनुराग कश्यप पांच साल पहले अनुराग कश्यप एज अ फिल्म मेकर एक फिल्म आती थी उनकी कभी साल में दो साल में एक फिल्म आती थी. सडनली आपके आने के बाद चार पांच छह फिल्में आ रही है और हर साल अब तो दो तीन महीने में एक बार तो ऐसा हो ही जाता है कि अनुराग कश्यप इज इन द न्यूज. तो ये विजन आपका है अनुराग का है आप दोनों का है? एक्चुअली विजन तो अनुराग का है एंड अनुराग ने बहुत नए अच्छे डायरेक्टर्स कल्टिवेट किए हैं मोटिवेट किए हैं और उनको सपोर्ट किया. एंड इवन इन द कंपनी अनुराग चूजेस द स्क्रिप्ट. वो एक बार ही स्क्रिप्ट फाइनलाइज करता है देन आई स्टेप इन एंड आई एम लाइक ओके अभी इसको क्या कैसे करना है हाउ आर वी फंड रेजिंग इसका कितना बजट होना चाहिए कितना पैसा कहाँ से रेज करना है कैसे स्ट्रक्चर होगा कब रिलीज होगा कब मार्केट होगा. सो द होल बिजनेस प्लान आई एम प्रोड्यूसिंग इट बट वो उसके बाद शुरू होता है जब अनुराग ने स्क्रिप्ट फाइनलाइज कर लिया यानी ग्रीन लाइट प्रोजेक्ट करते हैं उसके बाद यू टेक ओवर. उसके बाद एक फाइनेंस ग्रीन लाइटिंग इज जो मुझे करनी होती है कि व्हाट शुड बी द बजट एंड व्हाट कैन बी द रिकवरीज एंड हाउ शुड वी रेज दिस मनी व्हिच इज नॉट एन इजी टास्क. बहुत मुश्किल टास्क है बिकॉज कितना बजट होना चाहिए उस पर निर्भर होता है कि फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी. तो ये नो हाउ ये एक्सपर्टीज आपने कैसे हासिल की टू रियली अंडरस्टैंड कि कितने बजट में बननी चाहिए कितनी रिकवरी हो सकती है? सबसे पहले तो एक चीज थी कि क्योंकि हमारी फिल्म में कोई स्टार ड्रिवन नहीं है एक स्टार हुक नहीं है. द हुक इज द स्टोरी दैट मेक्स इट ऑल द मोर डिफिकल्ट. यस इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट. सो द स्टोरी इज द हुक. तो सबसे पहला अप्रोच हमारा ये रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स रहे हैं जितने हमने बनाई हैं फिल्में उसमें ये रहा है दैट मिनिमलिस्टिकली कितना मतलब अगर मुझे वो डायरेक्टर कहता तो 40 डेज का शूट है सो आई वुड से लेट्स स्टार्ट टॉकिंग 36 में हो सकता ओके कैसे करें. तो एक तो बहुत ही शू स्ट्रिंग बहुत ही टाइट बजट शू स्ट्रिंग्स एंड एवरीथिंग जितना बस उतना चाहिए जो जितना स्क्रीन पर चाहिए बनाने के लिए उतना पैसा रेज कर फिर उसके अराउंड पूरा स्ट्रक्चर करते हैं. ऐसा कहा जाता है कि बिलो 4 crores अगर फिल्म है तो उसका इतना सैटेलाइट वैल्यू इतना ऐसे रिकूपेबल रिकवरेबल है. सो हमारा लार्जली प्लान अगर एक वन लाइन में बोलूं तो ऐसे ही रहा. अगर आप फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हैं और अगर आप कुछ करना चाहते हैं विद एनसेंबल कास्ट एंड वी रियली लाइक द स्क्रिप्ट तो एक वो पैरामीटर है. सो इट शुड नॉट बी अबव 4.5 crores एंड अगर एकदम एक्सपेरिमेंटल फिल्म है जो भी एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के साथ है देन इट नीड्स टू बी बिटवीन 1-1.5. तो उतना हम लोग एज अ प्रोड्यूसर आई वुड से दैट उतना आई कैन स्ट्रक्चर द होल सेल आफ्टर दैट. एंड गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1, पार्ट 2 तो बनी उसके अलावा उसी दौरान आप लोगों ने और कई फिल्में बनाई जो फेस्टिवल्स में एग्जिबिट हुई थी लेकिन अब तक थिएट्रिकल रिलीज बाकी है उन फिल्मों के बारे में कुछ बताइए. एक फिल्म है माइकल जो वायकॉम के साथ है एंड एक्चुअली माइकल की बात चली तो माइकल की रिलीज अनाउंस हो गई थी पिछले साल एंड देन सडनली इट वेंट ऑफ द रडार. ऐसा क्यों हुआ? डोंट थिंक रिलीज अनाउंस हुई थी. अच्छा. अगर ट्रेड मैगजीन्स में हुई हो तो ट्रेड बिकॉज एक वो स्लॉट था जैसे सारी फिल्मों का एक स्लॉट कहते हैं ना कि वो डेट बुक कर लेते हैं वो ब्लॉक कर लेते हैं बट एज सच प्लान नहीं था. तो उसका प्लान है इस साल रिलीज करने का एंड विद वायकॉम एंड अस द होल थिंग इज कि गैंग्स ऑफ वासेपुर अय्या के बाद हम लोग माइकल लेकर आ रहे थे तो अब
जैसे ही अच्छा आपको पता है फ्राइडेज में कितना कितनी मारामारी होती कितनी मारामारी है. सो वन गुड फ्राइडे वीर मतलब वीर लुकिंग एट फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन मार्च टू जून. लेट्स सी. मगर ये फेस्टिवल में गई है. ये टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गई थी. एंड रिस्पॉन्स वहां पर हम लोग एक्चुअली एक एल्गिन थिएटर पे हमने प्रीमियर किया था विच इज 2000 सीटर एंड वो पूरा भरा हुआ था. एंड जब हम लोग अंदर जा रहे थे तो बाहर कुछ 500 लोगों की और लाइन थी. ओह वाओ. एंड बहुत अच्छा रिस्पांस था टोरंटो में. एंड इट इज अ थ्रिलर. तो यू आर एट द एज ऑफ द सीट. ओके. तो द रिस्पांस इज वेरी वेरी गुड. तो आपकी पर्टिकुलर जो आप लोगों की फिल्में हैं उनके लिए नॉन डायस्पोरा ऑडियंस बहुत मायने रखते हैं. हम ऐसा समझते हैं कि हम लोग एक वर्ल्ड सिनेमा फिल्म बना रहे हैं जो कोई भी इंसान उन इमोशंस के साथ रिलेट कर सकता है. तो चाहे आप वो एक ऐसी कहानी है जो किसी भी शहर में भी हो सकती है. तो एक बड़े मेट्रो में तो अगर आप शंघाई में हैं या अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं उसके साथ. तो अगर आप पेरिस में हैं एक तो सो द होल थिंग इज कि जैसे हमारा जो बॉलीवुड कहा जाता है जैसे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ हमारे हमें पसंद आती हैं. द लार्जर देन लाइफ सॉन्ग एंड डांस द ह्यूमर. लेकिन थोड़ा सा अगर आप अप करें उसका इमोशनल क्वेश्चन तो एक वर्ल्ड ऑडियंस को अपील हो सकता है. एंड उस टाइम मैं सोचती हूँ व्हाई नॉट ये फिल्म कोरिया में भी रिलीज हो, ये फिल्म पेरिस में भी रिलीज हो, ये फिल्म ब्राजील में भी रिलीज हो. तो अगर कोरियन फिल्म वहां होती है उनका बहुत पुराना इतिहास भी है. हम लोग अभी अभी स्टार्ट हो रहे हैं बट उसके लिए जितना भी पूरा सेल्स एजेंट्स का बिजनेस है आउटसाइड इंडिया उन लोगों को दे हैव टू सेल आवर फिल्म. ये सेल्स एजेंट्स जनरली बॉलीवुड वाले सेल्स एजेंट्स को कॉन्टैक्ट नहीं करते बिकॉज बॉलीवुड फिल्में जो रेगुलर बॉलीवुड फिल्में होती है वो ट्रेडिशनल मार्केट्स में रिलीज होके रह जाती है. तो मतलब एक्चुअली सेल्स एजेंट्स का पूरा बिजनेस ऐसे होता है कि वो लोग 12 से 15 फिल्में एक साल में लेते हैं. अच्छा. दुनिया भर से. ओके. तो एंड दे डील विद इंटरनेशनल फिल्म्स, दे डील विद ऑल लैंग्वेजेस. तो वो लोग एक हांगकांग से भी फिल्म लेंगे, वो लोग एक कोरिया से लेंगे, वो लोग एक जापान से लेंगे, वो लोग एक यूएस से ले लेंगे, एक लंदन से ले लेंगे, एक लिथुवेनिया से ले लेंगे. कहीं से भी वो 12 से 15 फिल्में ही साल में लेते हैं. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन सेल रीजन का एक मार्क बन जाता है कि हम ऐसी फिल्में लेते हैं. Okay. टिपिकलिटीज हो जाती है. मैच फैक्ट्री ऐसी फिल्में लेता है, एल ड्राइवर, वाइल्ड बंच ऐसी फिल्में लेता है. अब जितने भी बाहर बहुत सारे सेल्स एजेंट्स हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जो बहुत पॉपुलर हैं और बहुत नामी हैं, जैसे एल ड्राइवर, मैच फैक्ट्री, फोर्टिसिमा जिन्होंने माइकल ली थी, एल ड्राइवर जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर एंड पेडलर्स लिए. तो उनसे उनको हमें अप्रोच करना पड़ता है एंड फिर उनसे एक रिलेशनशिप बनाकर उनको अपनी फिल्म दिखाकर उनसे सब स्ट्रैटेजी बनाकर कि कैसे होगा एंड देन वी स्टैंड टू लर्न फ्रॉम देम ऑन व्हाट प्लान्स अहेड आर कि कैसे जर्मनी टेरिटरी बिकेगी, कब रिलीज होगा. गैंग्स ऑफ वासेपुर का पेरिस में मेन स्ट्रीम रिलीज हुआ था विद डार्क नाइट राइजेस एंड अ पार्ट टू रिलीज होने वाली है. हुआ है. अच्छा. लास्ट वीक ऑफ दिसंबर. ओके. एंड द रिस्पांस इन इट्स फिनोमिनल एंड मतलब ऑल द ट्रेड, ऑल द जर्नलिस्ट, एवरीथिंग. इनफैक्ट कल की न्यूज पेपर में हॉलीवुड रिपोर्टर में टॉप 12 फिल्म आउट ऑफ द वर्ल्ड उसमें गैंग्स इज नंबर 5. गैंग्स इज कांग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर. सो एक वन थिंग इज टू ब्रेक इनटू दैट वर्ल्ड सिनेमा मार्केट. और वो लोग चार्ज कैसे करते हैं ये एजेंट्स ऑन अ कमीशन बेसिस? दे टेक कमीशन. देयर कमीशन इज बिटवीन 20-30% ऑफ द प्राइस एट व्हिच दे सेल. सो दे टेक अ कमीशन एंड इट्स फुल्ली रिलेशनशिप बेस्ड जैसे होता भी है. ऑल्सो मतलब फर्स्टली दे हैव टू नो यू, देन दे सी द फिल्म, दे देन टेक ऑन द होल रिलीज. ऑल्सो द होल फेस्टिवल्स इज अ मार्केट बिकॉज फेस्टिवल स्क्रीनिंग फीस होती है छोटे. आफ्टर द टॉप 5 फेस्टिवल्स बाकी फिल्म फेस्टिवल्स में स्क्रीनिंग फीस है विच इज ऑल्सो बिग पिक मार्केट फॉर ऑल द सेल्स. क्योंकि वहां पे अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं. नहीं
also as a revenue generator, okay, film festivals, because screening fees ki wajah se. Okay. So between 1000 to 2000 euros, agar ek film screening. Har screening ka screening fees hai, then they plan 50 festivals, mm-hmm, they plan, so it's a whole recovery model. To matlab festival se bhi ek acha khasa paisa aa jata hai, aur choti filmon ke liye especially, that, especially exactly, for choti art, mm-hmm, house, mm-hmm, you know, those special films. Correct. So sales agents ka recovery model is all rights worldwide and festival screenings. Inke alawa aur koi film, ek monsoon shootout hamari film hai jo abhi final sound mix par hai. Amit Kumar ne shoot kiya, Amit Kumar ne direct kiya, and Amit ne pehle ek short film banayi thi, The Bypass. Okay. Wo YouTube par hai, aur usne BAFTA jeeta tha for the short film. Okay. Amit Kumar, to ye unki pehli feature film hai. In fact monsoon shootout ek bahut unique structure hai, to usko humne on the script level humne uske France mein rights beche hue for satellite Arte ko at the script level itself script before level, shooting the film, yeah, and oh, wow, and we got around 200,000 euros for which converted into rupees is 1.4 crores. A substantial amount. Yeah, and that is for France and Germany satellite rights only. Only. Achha, theatrical not is still with us. Oh wow. Theatrical DVD, all digital. So, aapka in paiso se hi film ban gayi hogi? Nahi, wo kafi mehengi film. 50 days of shooting. Shoot and action, and Shyam Kaushal has done the action, and Rajiv Ravi shot it. Okay. So it's full night, rain, monsoon. So execution wise, it's expensive film. There's Nawaz in it. Okay. But yes, it is a considerable amount. Yeah. 1.5 crores is amazing. 1.4 crores. That's very nice. So, and we raised another 2 crores from Netherlands as private equity money. Oh, fantastic. And then the balance we raised from. So, uski sabki credit to aapko hi jaati hai? Haan, sab put together karna. Achha, sab. Aap puri credit nahi lena chahti hai. Nahin, bas kaam karke, theek hai. But it's amazing. Matlab, mujhe bahut maza aata hai. Obviously. Ye sab, and especially when you're tapping very, very different markets, yeah, and non-traditional markets, yeah, ek job satisfaction bhi milta hoga. Abhi ek film banayi hai, Lunchbox. Mm-hmm. To Lunchbox mein, we've raised 50% of the budget between Germany, France and US. Wow. And by various subsidy funds, there is Median Board from Germany, there is CNC from France, there is Arte from France, now we are trying for Canal Plus. So, this puri financing, fundraising duniya hai, jisme bahut planning lagti hai, lekin at the end, it's amazing. Jis tarah se, matlab on script level. Damn good. Guneet ji, mujhe ye bataiye, अनुराग कश्यप फिल्म्स जो आपका बैनर है, आपका और अनुराग कश्यप का, वो बॉलीवुड के बियॉन्ड जाना चाहता है कि बॉलीवुड से हट के फिल्में बनाए, बिकॉज काफी फिल्में आप लोगों की ऐसी हैं जो रेगुलर कमर्शियल मसाला फिल्में नहीं कही जा सकती है, तो बियॉन्ड बॉलीवुड जाने की कोशिश है या फिर नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स में एंटर करने की ज्यादा कोशिश है, और इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ? इट इज अ मिक्स ऑफ बोथ. इट इज, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा कॉन्शियस थॉट नहीं है कि कुछ बॉलीवुड से अलग करना है, बस जो कहानियां समझ आती हैं वो काफी रियल कहानियां हैं, जो और जो समझ आती है वो बॉलीवुड से हटके ही है. हाँ, मतलब शायद समझ ही थोड़ी वैसी है कि हाँ ये बड़ा अच्छा है, फिर जब तक हम लोग करते हैं तब सब कहते हैं अरे ये बहुत हटके, मतलब हमें तो नॉर्मल ही लग रहा है. दिस इज वे ऑफ बीइंग. और हमें, मतलब अनुराग कश्यप को कि आप सबको, मतलब हम लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं ऑन अ गुड स्क्रिप्ट है. शैतान की स्क्रिप्ट थी, पेडलर्स की स्क्रिप्ट थी, एंड मॉनसून शूट आउट, लंच बॉक्स, एंड हमने एक बंगाली फिल्म बनाई ताशर देश, एक मराठी फिल्म बनाई वक्रतुंड माका है भाई पुनर्वासु, ये सब इस साल रिलीज है. सब इस साल, मतलब इस साल भी अनुराग कश्यप फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड छाया रहेगा. छह फिल्में हैं. एंड अनुराग कश्यप फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के अलावा आप लोगों ने एक और बैनर स्टार्ट किया है, सिखिया एंटरटेनमेंट. वो क्यों? एक्चुअली अनुराग कश्यप फिल्म्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर अनुराग पर था, तो हमारा पूरा आइडिया ये था कि वील हैव डायरेक्टर्स दैट विल कम आउट, देयर विल बी एक टाइम आएगा जब देयर विल बी एन आर्मी ऑफ डायरेक्टर्स विद द कंपनी, और वो सब एक तरह की फिल्म है, एक ऐसा विजन है एक ऐसी फिल्म बनाने का. तो अनुराग भी डायरेक्टर है, तो
एक जनरली मतलब जैसे उड़ान विक्रमादित्य मोटवानी की थी, अय्या सचिन कुंडलकर, शैतान बिजॉय नाम्बियार, पेडलर्स वासन बाला, श्लोक शर्मा की हराम खोर जो अब आ रही है, तो इन सब हमें अपने डायरेक्टर्स को बढ़ावा देना है, उनको उनको इन्फोर्स करना है, अनुराग कश्यप, तो हमने पहले अनुराग कश्यप अच्छा। फिल्म को AKFPL किया अच्छा, ताकि अनुराग कश्यप का नाम एकदम फोरफ्रंट में नहीं आए, बिकॉज कंपनी अलग है और एक इंडिविजुअल अलग है, एंड अनुराग को भी बहुत समय चाहिए टू एक्चुअली उसको समय चाहिए टू राइट एंड डायरेक्ट, एंड ऑब्वियसली एंड इफ ही इज मेकिंग सो मेनी फिल्म्स ही हैज टू पुट हिज अटेंशन देयर आल्सो, या एंड ही लव्स डूइंग दैट, बिसाइड्स दैट ही लव्स रीडिंग स्क्रिप्ट्स एंड लव्स telling, giving feedback on the script, but producing is a whole full-time job. और उसके बाद marketing में बहुत ज़्यादा समय खींच जाता है अनुराग का, जिसकी वजह से हमेशा वो कहता है कि मैं अपनी फिल्म कब बनाऊँ, तो वैसे भी वो दो साल में एक बार डायरेक्ट कर पाते हैं, तो वो थोड़ा सा कम करने के लिए, माइंड स्पेस के लिए हमने पहले AKFPL किया, अब हम AKFPL को एक रिलीजिंग प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, एंड हम पूरा प्रोड्यूसिंग शिफ्ट कर रहे हैं सिख्या में, जिसमें डे टू डे एक्टिविटीज फ्रॉम इवन फ्रॉम इन्वेस्टर्स, स्टूडियोज, एक्टर्स, इज ऑल बाय सिख्या. तो सिख्या एंटरटेनमेंट अब प्रोड्यूस करेगी एंड AKFPL विल बी अ रिलीजिंग प्लेटफॉर्म, और AKFPL के लिए कोई और प्लान्स हैं? जी काफी प्लान्स हैं, स्पेशली टू ब्रिंग सम सिनेमा बाहर से भी यहाँ पर, जो इम्पोर्ट करेंगे, जैसे जैसे अनुराग ने आर्टिस्ट भी प्रेजेंट की थी द आर्टिस्ट, तो ऐसे हमारे कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं जिससे हम लोग कुछ सिनेमा यहाँ पर भी लेकर आ सकते हैं, वो प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्लान्स हैं टू रीच आउट टू आवर ऑडियंसेस डिजिटली एंड ऑनलाइन. अच्छा, सो रिलीजिंग फिल्म्स डिजिटली? यस, ओके, ये सब अभी इट्स ऑल ब्रूइंग. अभी जैसे हम एक फिल्म बना रहे हैं टाइगर्स, जो दानिश तानोविच डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने नो मैन्स लैंड बनाई, करेक्ट, Tigers the is Oscar winner the for Oscar the best foreign language film. Foreign language film. Correct. During the time of Lagan and Amelie. Lagan. Exactly. So Danish film bana rahe hain abhi. So it is a relationship that Anurag started, and now we are producing it under Sikhya, putting the whole new company together and launching it. गुनीत जी, कंपनी की तो बहुत बात हो गई, एंड आई एम श्योर हमारे देखने वाले आपसे इंस्पायर हुए होंगे कि इतना कुछ अलग कर रही आप. आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आई, अनुराग कश्यप से कैसे जुड़ी, इज दिस योर फर्स्ट जॉब इन द सेंस, ये फर्स्ट टास्क है आपका बतौर पार्टनर? मैंने बहुत फिल्में लाइन प्रोड्यूस की दिल्ली में, इंटरनेशनल फिल्म्स. अच्छा, तो मुंबई से पहले आप दिल्ली में थी. जी. इंटरनेशनल फिल्म्स लाइक पार्टीशन, मर्डर अनवील्ड, लव स्टोरी, फिर वो एक आयरन मेडन का पूरा शो किया था, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी. अच्छा. बीबीसी के लिए बहुत लाइन प्रोडक्शन किया. मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं इंटर्न थी पैन अनिल की फिल्म में वैली ऑफ फ्लावर्स में. अच्छा. एक्चुअली वैली ऑफ फ्लावर्स अनुराग ने डायलॉग्स लिखे थे. ओके ओके. एंड तो तब से अनुराग को जानती है? ऑफ कोर्स, तब से 2003-04 से जानती हूँ एक दूसरे को. उसके बाद मैं बॉम्बे 2006 में आई थी, एंड मैंने सलाम इंडिया प्रोड्यूस की, फिर उसके बाद रंगरसिया लाइन प्रोड्यूस की, फिर उसके बाद दसवदानिया प्रोड्यूस की. ओके. फिर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई बालाजी के लिए मैं लाइन प्रोड्यूस कर रही थी. अच्छा. मिलन लुथरिया की? मिलन लुथरिया. ओके, ओके. और फिर वहां पर दोबारा से अनुराग कश्यप से मिला. अच्छा. एंड देन यू जॉइंड, एंड देन या वी जॉइंड हैंड्स एंड सोचा कि इकट्ठे करते हैं, आई विल बी द प्रोड्यूसर टू द होल, पुट सम स्ट्रक्चर. तो सब करते 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 वेरी नाइस, बट कहीं ना कहीं इतने सारे डायरेक्टर्स हैं, इतना सारा अनुराग ने रीज किया हुआ था स्क्रिप्ट्स, दैट इट वाज वेरी इजी टू डाइव इन एंड देन मेक थिंग्स हैपन. एक बात तो तय है कि आप क्रेडिट बहुत कम लेती हैं, काम कर देती हैं, एंड देन यू मेक इट साउंड सो सिंपल. इतना सिंपल है नहीं, मैं समझता हूँ बहुत मेहनत जाती है, बट बहुत मजा आता है. Yeah, बहुत सैटिस्फाइंग है. Yes, it must be really satisfying because you are breaking new ground all the time. एंड एक अच्छा सा एक फिल्म का एक अच्छा फाइनेंस स्ट्रक्चर करके उसको एंड में देखना, एंड उसका पूरा वर्ल्ड वाइड रिकवरीज समझना, एक्नॉलेज करना, इज वेरी एक्साइटिंग. एंड फाइनल क्वेश्चन, तो इतना कुछ नया करने के बाद मेरे ख्याल से चार साल से आप इस कंपनी के साथ जुड़ी है, तो इस कंपनी को आप क्या कहेंगी, अब तक प्रॉफिटेबल है या इट इज अप्रोचिंग द प्रॉफिटेबल मार्क, या इट्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल और इट्स इन द रेड, व्हाट इज इट?
This year end, we will break even. क्या बात है, that's very nice. So we will come to a surface of break even. Mm-hmm. And I think next year onwards, 2014 onwards, we will be in profit. जैसे कहते हैं इंशाल्लाह. Typical, we were typical startup. So पहले हमें 3 साल. And plus you have done so much different stuff that 4 and 5 years gestation period तो बनता है मेरे ख्याल से. 3 साल में तो हम बस अपना एक बता रहे थे कि हमें ऐसे काम करना है. Correct. You are trying to get a foothold in the industry for the kind of films you all were making. But अब जैसे co-productions इतना common हो गया. जब monsoon shootout हो रही थी, जब मैं उसको fundraise कर रही थी 2 साल पहले, जब lunchbox को fundraise कर रही थी, तब बहुत unknown था ये. अब everybody is open to co-productions. Everybody is talking about कैसे taxes होंगे, क्या होगा. तो it's अब सब लोग बहुत aware हो गए हैं, तो आसान हो गया. चलिए गुनीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. एंड मालूम चला कि कितनी अलग अलग चीजें भी हो रही है बॉलीवुड में. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू. तो दोस्तों, ये थी गुनीत मोंगा जी. आपने इनकी बातों से ये तो जान ही लिया होगा कि अनुराग कश्यप फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और उनका जो नया बैनर है, इन दोनों का, अनुराग कश्यप और गुनीत मोंगा का, सिखिया एंटरटेनमेंट इज डूइंग अ होल लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ. एंड 2013 में आपको इनकी कम से कम 6 फिल्में देखने को मिलेगी. एंड यू कैन बी श्योर, वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म, डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा, जिसको आप पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं एंड पेट्रोनाइज भी करते हैं.